वाली आपका स्वागत है इस शाम में। आपको कैसा लगा यहाँ पर आइए और फैशन शो और फैशन शो है जो कि यहाँ पर आपको कैसा लगा? मुझे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। एंड NSIM अकेडमी इज़ डूइंग सो वेल। इट इज़ सो लवली टू वॉच ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग अप विद देयर क्रिएटिविटी एंड न्यू इमेजिनेशंस। एंड इट्स ऑल्सो रियली वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, बट दे आर सो एक्सीलेंट एंड सो कॉन्फिडेंट। इट इज़ लवली दिस इवनिंग। आज आप शो में आई, आपने अटेंड भी किया, आप इसकी क्या स्पेशलिटी लग रही है कि आपको आप बोलना चाहेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करें इस अकेडमी को और इस अकेडमी से क्यों जुड़े? अकेडमी से जुड़ने का मेन कारण इज बिकॉज नवी मुंबई में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले फिलहाल तो कोई है, और जैसे NSIM अकेडमी कर रहे हैं इट इज़ रियली वंडरफुल बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग टू क्रिएट देयर ओन क्रिएटिविटी, कम अप विद न्यू इमेजिनेशंस, न्यू डिज़ाइंस। अभी के जो वर्ल्ड में चालू है, फॉर एग्जाम्पल दी नेचर रिलेटेड डिज़ाइंस, दे आर श्योरली वेरी प्रिटी एंड वंडरफुल। या सो हमारी अकेडमी है, हमारा क्लिनिक भी है, सो तंत्रास ब्यूटी एंड हेल्थ वेलनेस इज़ वॉट वी रिप्रेजेंट। एंड आई वर्क फॉर माई मोम एंड डैड, दिस इज़ माई मॉम, एंड आई पर्सनली हैंडल मेकअप आर्टिस्ट्री एंड कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। वी ऑल्सो हैव स्पा, होम्योपैथी एंड ट्राइकोलॉजी सेक्टर्स इन इट, एंड वी ऑल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड पीपल especially cannot afford such expensive courses. We are working for them. We have got our expenses and our fees really very low for them because we are hunting for talent. And trust me, city ho ya fir rural life ho, there are so many people who are so talented jinko fashion industry or beauty industry mein bahut zyada kaam karna hai. So that is why I think we all are here and we are supporting such students. आज शाम को भी बड़ा वर्कशॉप हो रहा है, फैशन शो है, इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ से अच्छे अच्छे लोग बातचीत मिले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप यहाँ पर आते हैं आज इस NSIM अकेडमी के शो में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट शोज अ काइंड ऑफ पैशन दैट द किड्स आर फॉलोइंग। मुझे यही लगता है कि जो भी चीज़ आप दिल से चाहें, पैशन से करें, वो ज़रूर पूरा होगा। और यहाँ इस इवेंट में सब कुछ बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं, और लुक ऑन द पेरेंट्स एंड द इंस्टीट्यूट एंड द टीचर्स आर रियली अमेजिंग। सो आज एक तरह से मैं बोल सकती हूँ इनका इवेंट सफल हुआ। थैंक यू। इंट्रोडक्शन दें और बताएंगे आज इस शो में आकर आपको कैसा लगा। सो नमस्ते, मेरा नाम है भावेश परमार और मैं हूँ डायरेक्टर AMS प्राइवेट लिमिटेड का, और मेरे साथ में है नितेश मुले जो कि डायरेक्टर है टाइगर प्राइवेट लिमिटेड के। वी आर दी एडवाइजर्स फॉर NSIM अकेडमी, एंड आज आके बहुत अच्छा लगा। जो भी हमने इतने सालों से मेहनत की है आज रंग ला लिए। सो बच्चे लोग का काम देख के, जैसे आप सभी ने देखा रहेगा, जो इंटीरियर वाले बच्चों ने जो काम किया है, इवन फैशन वाले बच्चों ने जो काम किया, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी गुड। एंड NSIM के बिहाफ से आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा, इट इज़ ओनली अ बिगनिंग। आगे और भी बहुत सारे चीज़ें आपको दिखेगी, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपको मिलने वाले, एंड वील डेफिनेटली मेक द कंट्री प्राउड। आप बताइए, अपने बारे में बताइए। हाई, दिस इज़ नितेश मुले, डायरेक्टर ऑफ टाइगर प्राइवेट लिमिटेड। और NSIM अकेडमी ने आज बहुत अच्छा इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट किया है, और आशा करते हैं कि ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स वो आगे भी करते रहे, और हमारे बेस्ट विशेज उनके साथ हमेशा होंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए? ये इवेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं एक एक्सरसाइज योगा इंस्ट्रक्टर, डांसर, एंड डूइंग माय ओन वर्क रिगार्डिंग द मॉडलिंग, ग्रूमिंग द मॉडल्स, ये सब करती हूँ। और ये इवेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है। सारे स्टूडेंट्स अपना जो वर्क, अपना जो डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं डिज़ाइंस, एंड इंस्टीट्यूट ने भी बहुत ही अच्छा किया है। थैंक यू सो मच।
was a lovely evening and thanks to all of you and NSAM Institute. सभी students ने बहुत मेहनत की और सभी ने बहुत अच्छा perform करा being fashion designer and being models. All are done very good job. Thank you so much. All the best for all students in future. Thank you. आपको अटेंड किया और हाथ में भी आपके कुछ अवार्ड है मेरे ख्याल ऑनर किया गया है आपको, इसके बारे में कुछ बताइए और थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं कृति दास हूँ और मैं ब्रांड कृतृष्णा ओन करती हूँ जो कि बिलीव करता है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने का, उनके साथ काम करने का और अच्छे रेडी टू वेयर डिज़ाइंस आप लोगों तक पहुँचाने का. मेरा एक स्टार्टअप ब्रांड है सो आई बिलीव कि ये धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ेगा. और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी यंग डिज़ाइनर्स हमारी तरह जो अभी आके फ्यूचर में एस्टैब्लिश होने वाले, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में काम करने वाला है, सो उनका काम देख के आई बिलीव कि वो बहुत आगे तक जाने वाले हैं एंड उसके हार्डवर्क के लिए आई रियली अप्रिशिएट एवरी स्टूडेंट्स. सो थैंक यू एंड थैंक यू NSAM फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. इस शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने एक शो अटेंड किया है, इसके बारे में मुझे बताइए और आपको ऑनर भी किया गया है, आपको कैसा लगता है, कैसे महसूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सारे लाइक NSAM अकेडमी के फैकल्टीज़ को एंड स्पेशली आयुष और नीरू मैम को एंड सारे स्टूडेंट्स ने लाइक दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब एंड उनके कलेक्शन सारे एक्साइटिंग और वंडरफुल हैं. सो उस चीज़ के लिए ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड मैं रिलेट कर सकती हूँ उनके कलेक्शंस ऑफ फैशन से बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड एंड अ डिज़ाइनर माई सेल्फ सो आई कैन रिलेट कि द होल प्रोसेस हाउ इट इज़ एंड हाउ मच हार्ड वर्क दे हैव पुट इन टू दैर कलेक्शन. सो वेरी ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये इवनिंग की शाम बहुत खूबसूरत दिख रहा है जैसा ही दिख रहे हैं और इस अवार्ड जो अकेडमी के हो रहे हैं उसके बारे में. First of all, thanks to invite me here and the evening was very fantastic and मैं यहाँ पे एज ए इंटीरियर जूरी आया हूँ तो जो बच्चों ने काम किया है वो मेरे को दिखाई दे रहा है और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेंगे. इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस और थैंक्स टू न्यू मैम और आरुष सर, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने शाम को अटेंड किया, इस इवेंट को अटेंड किया, आपको कैसा लगा और इसमें आपका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में योगदान. आई कैन अभी हला लेती हूँ थोड़ा सर, भी कंफर्टेबल इन टॉकिंग. सो पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने मुझे स्लाइड समझा एंड आई एम हियर टुडे. एज आई सेड आई कॉन्ट टॉक मच. और रहेगी बात इवेंट की तो जो आयुष और नीरू मैम ने किया, इट्स अ वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग. काफ़ी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी देखी मैंने उसमें, काफ़ी कलेक्शंस थे जैसे बनारसी थीम था, देयर वाज अ थीम ऑफ मधुबनी, सम सिंदूर का थीम, वाज वंडरफुल, काफ़ी कुछ अच्छा रहा. और मैं सौभाग्य है कि लोगों ने मुझे स्लाइड समझा, मुझे बुलाया यहाँ पर. थैंक यू सो मच. जी सबसे पहले हाय, आई एम राजकुमार दे और मैं यहाँ पे आया हूँ भावेश भाई और नितेश मुले सर के थ्रू और NSAM में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने जो देखा है स्पेशली जो फाउंडर के बीच में जो एनर्जी है और इतने अच्छे से वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे रैंप अप में, जो मॉडल्स थे, जो डिज़ाइनर थे, मुझे यूनिक डिज़ाइंस आज देखने को मिले और मुझे जो उनका जो क्रिएटिव थिंग्स है वो बहुत अच्छे से यू नो प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पे. और थैंक यू वेरी मच. और आप लोग आइए यहाँ पे, देखिए और उनके इंस्टीट्यूट पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट यू कैन एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. And I'm really thankful to NSAM Academy and Ernie Steen who introduced me to NSAM Academy and NSAM Academy to invite me to the B-Field D-Board event. And I really liked this event because there was too many outfits and they were too good. I liked every single outfit and it was too
really like them all and thank you. आज बड़ा ही खूबसूरत शर्मा है और शाम है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एन एस ए अकेडमी से आप किस तरीके से जुड़ी हुई हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ ही सबसे पहले तो मैं एन एस एम अकेडमी को थैंक करना चाहूँगी बिकॉज आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एंड वॉट आई हैव लर्न थ्रू आउट द ईयर एंड आई फील दैट नो अदर कॉलेज माइट हैव गिवन मी सच नॉलेज एंड दे गिव यू ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस योर क्रिएशन क्रिएटिव डिज़ाइन एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड दैट आई वॉन बेस्ट डिज़ाइनर इन द कैटेगरी ऑफ मेल Left side of the stage, all the people with Shashi and Trophy, please gather somewhere so that they can click a photograph. Good photograph. Award मिला है best designer का क्या बोलेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बिल्कुल भी expect नहीं था unexpected था मेरे लिए but फिर भी I would like to thank NSCM, my parents and my friends. बहुत ही अच्छा लगा एंड सभी ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है सो विनर कोई एक नहीं होता सब होते हैं बट थैंक यू एनएसएम थैंक यू थैंक यू